हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजकुमार, आप लोग देख रहे हैं फैक्ट टेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर कोई सा एप्लीकेशन जैसे यूज करते हैं, जैसे आप मैस्ट एप्लीकेशन यूज करते हैं या आप हिपी एप्लीकेशन यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी तरह का आप अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें जो भी आप वीडियो आप शो करते हैं या वीडियो व्यू करते हैं, उसमें से अगर मान लीजिए कि आपके वीडियो में ऐड आता है तो उस ऐड से आप लोग को पता है अर्निंग होता है। लेकिन अगर वो ऐड जो है आपका जैसे फोटो एडिटर ऐप, वीडियो एडिटर ऐप, इस तरह का अगर ऐड आ जाता है तो आप वहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पर रखना है, आपको यहाँ पे सावधान करते हैं। सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको वहाँ पे जो है ऐड आएगा और आप जब डाउनलोड करेंगे तो वो प्ले स्टोर पर नहीं जाएगा, किसी क्रोम ब्राउजर पर या कोई सा ऐसे साइट पर चला जाएगा जहाँ पर कि आपको जो है वो वेरीफाइड नहीं किया हुआ रहता है। और आपको मोबाइल जो है एक बार अलर्ट भी करता है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अगर ऐड आ जाता है तो आप उससे वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड बिल्कुल ना करें। मैस्ट ऐप जैसे यहाँ पर हम देखिए ओपन कर लिए हैं, तो यहाँ ओपन करने के बाद देखिए कि यहाँ पे जैसे इस वीडियो को हम प्ले करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एक ऐड आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये ऐड आ रहा है ये तो अभी इंस्टाग्राम का ऐड है, तो ये आप यहाँ पर जैसे ही इसके इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर पर ले जाने के बाद आपको जो है, तो जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर देखिए अभी ये अर्बन स्टोर एक आया और एक इंस्टाग्राम आया, तो ये जैसे यहाँ पर देखिए गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह का अगर एप्लीकेशन आता है तो आप उसको डाउनलोड बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कई ऐसे फोटो एडिटर ऐप है, जब आपको ऐड आएगा तो उसमें जो आपको दिखाएगा कि आप फोटो को सिर्फ ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपका जो है फोटो एकदम बिल्कुल पूरा अच्छा से बन गया है, HD क्वालिटी में बन गया है, कलर बहुत अच्छा से उसका ग्रेडिंग हो गया है। तो अगर जैसे उसको डाउनलोड करते हैं तो वो VPN हो जाता है। तो इस तरीका के एप्लीकेशन से आपको थोड़ा बचना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एप्लीकेशन अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम काइंड मास्टर हमको डाउनलोड करना है विदाउट, तो हम यहाँ पर गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम काइंड मास्टर जैसे हमको डाउनलोड करना है तो काइंड मास्टर APK डाउनलोड विदाउट वाटरमार्क हम कर दिए यहाँ पे सर्च। और यहाँ पर देखिए ये बाईपास किया हुआ है। जैसे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं काइंड मास्टर में, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद वाटरमार्क आता है, तो हम उसका हम क्या करते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वाटरमार्क हट जाता है। तो यहाँ पर ये क्या किया गया है, ये काइंड मास्टर को बाईपास किया गया है, सब्सक्रिप्शन जहाँ पर वहाँ पर रहता है ऐड करने के लिए उसको वहाँ से बाईपास डायरेक्ट जंप करा दिया गया है। तो यहाँ से आप इस तरह का एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जो है यूट्यूब से या किसी और आप इसके जो जानकारी रखते हैं इस सब के बारे में, आप वहाँ से उनसे सलाह ले सकते हैं। या यूट्यूब से अगर आप व्यूज़ कर रहे हैं तो लेटेस्ट वीडियो जो होता है उसको व्यूज़ करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप आधा अधूरा वीडियो देख के उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर दिए। आधा अधूरा अगर वीडियो देख के डाउनलोड कीजिएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताए हैं वो आप मिस कर जाएं और वहाँ से आपको लगे कि नहीं यहाँ पे यस करना है और आपको वहाँ पे नो करना था, तो आप वहाँ से आपको आपके मोबाइल को या आपके पैसे को भी क्षति हो सकता है, हानि हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप कोई सा भी वीडियो देखिए तो उसको फुल वॉच कीजिए, देखिए कि वो वीडियो में क्या बता रहे हैं। और उसके बाद वो आप जैसे वो काइंड मास्टर डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं या पिक्सल लैब डाउनलोड करते हैं या कॉरल ड्रॉ जैसे डाउनलोड करने के लिए बता रहे हैं, तो आप उस वीडियो को बढ़िया से व्यूज कर लीजिए, बढ़िया से व्यू देख लीजिए उसको बढ़िया से, उसके बाद ही आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। नहीं तो ऐसा बहुत हुआ है कि ऐसे ही हाल फिलहाल में खान सर के बारे में आया कि वो उनके एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करके यहाँ गूगल क्रोम में जाके या गूगल पर जाके उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया और प्ले स्टोर से जो है वो 250 रुपया का चार्ज था और यहाँ क्रोम से डाउनलोड किया हुआ एप्लीकेशन में मात्र 200 रुपया, यानी 50 रुपया बचाने के चक्कर में कई ऐसे लड़के हैं जिसके 15,000, 16,000, 20,000, 10,000 इस तरह से अकाउंट में कट गया है मात्र 50 रुपये। तो इसलिए कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है और वहाँ उसका डिस्क्लेमर देख लेना है कि ये किस पर्पज़ के लिए है। मान लीजिए फोटो एडिटर ऐप है और आप वहाँ पे इंस्टॉल के VPN निकल गया तो उसमें लिखा हुआ है कि ये VPN ही है, तो इसलिए डिस्क्लेमर आप प्ले स्टोर पे जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही उसका जो भी क्वेरी होगा आप पढ़ के उसके बाद इंस्टॉल कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी था आप लोग को देना था, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोग को जो है वीडियो मिलते रहे, नोटिफिकेशन उसका आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए उसी तरह जय।